क्या पहने क्या पहने क्या पहने, ये पहन लेती हूँ। फाइनली लंबे टाइम के बाद इस ड्रेस को पहनने का मौका आ ही गया। बर्थडे है क्या आज तेरा? नहीं, वैक्सीन वैक्सीन। फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद मैं वैक्सीन लगवाने जा ही रही हूँ। लेकिन यार ड्रेस से मैचिंग मास्क तो पहनना पड़ेगा ना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर #GotMyJab वाली सेल्फी मुझे डालनी है। लेकिन यार सेल्फी का जमाना बड़ा पुराना हो गया, रील्स बनाऊंगी रील्स, क्योंकि रील्स बनाने के बाद इंस्टाग्राम पर मैं हिट हो जाऊंगी, स्टार बन जाऊंगी। अब फटाफट इंस्टाग्राम पर कोई सस्ता सा डिजाइनर देखकर उसके मास्क का आइडिया चला के अपने राजू भैया से सिलवा लूंगी। वैक्सीन लगवाने चलो चले, वैक्सीन लगवाने चलो चले। चलो फाइनली वैक्सीन तो लग गई है, अब फटाफट फ्लाइट की टिकट बुक करवाती हूँ, बैकपैक करती हूँ और फुल ये जवानी है दीवानी वाली फीलिंग लेती हूँ। मैं उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, रिश्तेदारों को ब्लॉक करके दारू पीना चाहती हूँ, मतलब एप्पल जूस पीना चाहती हूँ यार। पर मैं जाऊँ कहाँ? हिमाचल बेस्ट है। नहीं यार, हिमाचल में बहुत जाम लगता है, खुद देखो यार, आधा दिल्ली उठ के वहीं पहुंचा होता है। राजस्थान, हाँ वैसे भी राजस्थान में अब आने के लिए या तो आपको RT-PCR टेस्ट दिखाना पड़ेगा या फिर आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना है, और मुझे तो वैक्सीन लग गई, यानी मेरे पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है। लेकिन बहुत गर्मी है यार, बेस्ट है, एक काम करती हूँ मैं पहाड़ों में जाती हूँ। और वैसे भी अब तो कई सारे ऐसे कैफे और रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आपको 50% या फिर काफ़ी हद तक डिस्काउंट मिलता है अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो। हाँ पहाड़ों पर जाती हूँ क्योंकि वहाँ से सीधा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का व्यू दिखता है। एक सेकेंड, चाइना बोला मैंने? नो नो प्रियंका नो, चाइना बिल्कुल नहीं। लेकिन सबसे पहले बॉस को कॉल करके छुट्टी के लिए अप्लाई तो कर दूं। हेलो सर, क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। कौन सी वैक्सीन लगवाऊं? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पूतनिक? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मेरे चाची की मामी की ताई की बेटी ने तो कोविशील्ड लगवाई है, लेकिन आधे दुनिया तो कोवैक्सीन के सपोर्ट में है। कौन सी लगवाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ये कर लो पहले। वैक्सीन लगवाने के बाद क्या मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा? और वैक्सीन लगवाने के बाद अगर मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो? और ये फ्री वाली वैक्सीन कौन दे रहा है? ये आधी फ्री और ये आधे पैसे में क्यों ले रही है? और ये वैक्सीन पक्का कोरोना को मार तो देगी ना, कुछ होगा तो नहीं ना? ये पूरी की पूरी सुई मेरे अंदर जाएगी क्या? चुप हो जा सातवीं फेल। और ये दो डोज क्यों लग रहे हैं? एक क्यों नहीं लग रहे? ये दो ही क्यों लग रहे हैं? दो से ज्यादा क्यों नहीं लग रहे हैं? और पक्का कोई दिन तो नहीं होता ना वैक्सीन लगवाने का? संडे को जाऊं? नहीं 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 मंडे को जाती हूं, लेकिन चाची संडे को गई है। यार मुझे डाउट है, पक्का हो तो जाएगा ना? ये वैक्सीन मुझे जान से मार तो नहीं देगी ना, कोरोना को तो मारेगी ना? यार यार रोहिणी सुन, मैं ना अगले एक हफ्ते तक ना घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। क्यों? एंड व्हाट अबाउट द शर्मास प्रोजेक्ट? यार वो मैंने ना आज सुबह ही व्हाट्सएप पे पढ़ा था, मेरी चाची की मामी की ताई की बेटी ने मुझे फॉरवर्ड किया था कि वैक्सीन लगाने के बाद ना एक हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना वैक्सीन का असर उड़ जाता है। तू पागल है क्या? एक दो दिन तक रेस्ट करना होता है, हफ्ते भर तक नहीं। यार लेकिन मेरे पास प्याज और गार्लिक भी नहीं है। अब उसका क्या करना है तुझे? यार वो भी मैंने आज व्हाट्सएप पे पढ़ा था कि वैक्सीन लगवाने के बाद प्याज ना अपने पास रखो ना, तो उससे नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, और दिन में अगर 10 बार गार्लिक खाने से ना उससे क्या होता है कि वैक्सीन का जो असर है ना वो और ज्यादा डबल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चुप हो जा सातवीं फेल। चल तूने वैक्सीन लगवा के अच्छा किया, पर अब एक काम कर, अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दे, क्योंकि ये सब फेक है। What?